हेलो, अरे यहां कोई है क्या? इतनी खामोशी क्यों है? कुछ ज्यादा ही खामोशी है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कोई है क्या? कौन है वहां पर? मैं जो कह रहा हूं सुनाई दे रहा है? कृष्णा मैनी, सेल्वी, मेरा नाम है कुमार, कोकी कुमार। कोकी बोले तो क्या? इसको पता। कोकी कुमार महानगर पालिका स्कूल में खुशी खुशी पढ़ रहा था। मां मैं चलता हूं। संभल के जाना बेटा। ये तो अपना काम कर। ओ दुल्हन ये है क्या? अरे मां जा रहा हूं। क्या मां? अरे कैसा है कुमार? आ जा भाई। ए भाई कैसा है? हाय कुमार। हाय कुमार। हे कुमार। हे कोके कुमार। ज्यादा बोलने का नहीं समझी? क्या कर रहे हो तुम? मुझसे जुबान लड़ाती है? माँ मैं फिल्म देख के आता हूँ। ठीक है, संभल के जा बेटा। ए, फाइट बहुत ज्यादा होगी ना उसमें? हाँ भाई सही बोल रहे है। क्या हुआ पिताजी? माँ सो गई क्या? क्या अभी आधी रात को फोन कर रहा है? जल्दी सो गया था ना। हे क्या हुआ? हाँ ये क्या कर दिया? अरे रे रे डाल दिया ना। तुम लोग झगड़ा कर रहे थे तभी मैंने बोला था ना। जानबूझकर मैंने कुछ नहीं किया। अरे बेलन लेकर मुझे मारने आई थी भाई, फिर क्या करता? भाभी भी थोड़ी अकड़ू थी। अरे क्या हुआ है? वो बैठ के रो रहा है, उसे भी साथ में ले लेते हैं। शेखर तेरा बेटा रो ही रहा है ना, ये अच्छा नहीं है शेखर। माँ उसे बहुत प्यार करती थी, कल बाहर जाकर के बोलेगा कि कत्ल तुमने ही किया है तो? एक तो पहले ही सब अपने ऊपर गुस्से में और मौके की तलाश कर रहे हैं। तो तुमने कुछ बोला क्या? मैंने कुछ नहीं बोला भाई, लेकिन तुम अच्छे से सोच लो। तेरा तो ओलातुर में पहले से एक फैमिली है ना, मैं जो कह रहा हूं वो समझ रहे हो ना? तेरे अच्छे के लिए बोल रहा हूं, समझ जा भाई। लड़के को बाहर मत जाने देना, ठीक है?
क्या कर रहे हो? पानी। हाँ। चिकन चाहिए? भाई कुछ खाने को दोगे क्या? पैसे कल सुबह दे देता हूं। हे ऑमलेट
मुझे एक आमलेट और दे। बहुत मजा आया ना। मैं तो कल भी जाऊंगी। हाँ ठीक है, मेरी भी माँ वेट कर रही है। चलो चलो, बाय। गलेगा, ऑपरेशन, ऑपरेशन गलेगा। कुछ पैसे मिलेंगे क्या? क्या क्या मैंने पहले बोलो। चुप चुपचाप चल, मारने के लिए मजबूर मत कर। पंथी नहीं, लेकिन इंस्पेक्टर चल चल, अगर ज्यादा होशियारी करेगा ना तो सोच ले। ए मैडम को फोन लगा। ए चल बे, चल ए हाथ छोड़। ए चल चुपचाप, ठीक से चल, दादागिरी नहीं कर लेगा। चल ए चल चल, अरे छोड़ चल। मैंने क्या किया? अरे अरे सर 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 सर, मुझे मत लेके जाओ सर। अरे सर मत मारो सर, एकदम वैसे मैं भूखा हूँ सर। सर नहीं सर, गाड़ी बैठ, गाड़ी बैठ। सर मैं यहाँ पर भी मांगता हूँ, मेरा इन लोगों के साथ कोई संबंध नहीं है। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। अपने लिमिट पर है, मुझे छुएगा तो मार खाएगा। चल चल गाड़ी बैठ। नहीं कहाँ जा रहा सर? नहीं चल, क्यों मारा? तेरी तो चल चल गाड़ी में चल। क्या रे? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो बस भीख मांग रहा था सर। भीख मांग रहा था? सर झूठ बोल रहा है सर। नहीं ए, उसकी हाइट ज्यादा है, उसे पीछे बैठा। सर रेडी? सर सर प्लीज, सर प्लीज भाई थोड़ा मुस्कुराओ। ए तू नहीं यार, अरे चेहरे को थोड़ा लटका के रख। मैं कुछ नहीं कर सकता था, डीआईजी ने ही मारने का ऑर्डर दिया था, लेकिन खाना पीना सही ढंग से दिया मैंने। हाँ भाई, तीनों टाइम बिरयानी भी खिलाया। जब देखो खाने की बात करता है। एक बात बताओ, गांजा सिर्फ हमारे लोग बेचते हैं, मूर्ति के लोग नहीं बेच रहे? हाँ पैसा तो टाइम पर मिल जाता है ना। वो उस एरिया में एक रिटायर्ड जज रहता है, उन्होंने ही कंप्लेंट दिया था कि अभी मूर्ति ही सरकार चला रहा है, इसीलिए उछल रहा है वो। हमारा भी समय आएगा। मूर्ति के कारण हमारे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। Hey, ये कौन है रे? भाई पुलिस हमें लेके आ रहा था ना, तो ये भी गलती से फंस गया। इंस्पेक्टर ने सही ढंग से इसकी धुलाई कर दी। जरा चेहरा देखो इसका। तो उन्हें बोल देते ना। बोलने का मौका कहाँ देते हैं, सीधा मारते हैं। फिर भी भाई तीनों टाइम की बिरयानी खिलाई है। चुप पेटू कहीं का। Hey, कौन है रे तू? इसका भाई, गले का ऑपरेशन हुआ है। रेलवे स्टेशन पे भीख मांगता है भाई। Hey, रुको यार, कौन है क्या है पता नहीं। Hey, चल निकल, इस तरफ दोबारा नहीं आना। चल फुट ले। अनबु सर। Hey. सर प्लीज सर, कोई काम होगा तो दे दो सर, भीख मांगने में शर्म आती है सर। दो दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया,
सर कोई भी काम होगा मैं करूंगा सर, प्लीज सर। कुछ पढ़ाई वढ़ाई की है? प्लस टू। है मनी? नहीं भाई, अच्छे से देखा है, हकीकत में ये भीख मांगता है। अच्छा सोचूंगा, ठीक है। अरे भाई बहुत दर्द हो रहा है। कौन है? क्या है ये? आशीर्वाद दीजिए भाई। ए संभल के बे, पहले खा लिया फिर दारू पी रहा है, पता है क्या होगा तेरा? अरे क्या होगा, पेट खराब होगा और क्या। क्या हुआ, लुढ़क गया क्या? उसकी बॉडी बड़ी वीक है। ओ उसको देख के मुझे हंसी आ रही है। उसको देख के मुझे हंसी आती है मगर अंदर रोने जैसा लगता है, इसी तरह दिल खोल कर रोता रहूं ऐसा लगता है। भाई मणि भाई मैं थोड़ा रो लूं क्या, आप लोग हंसेंगे नहीं ना? भाई लगता लड़के को चढ़ गई है। ए, उसे क्या दुख है पता है तुझे? तू रो बे। अच्छा रो किस लिए रहा है, है? मेरी माँ थी ना बहुत अच्छी थी, मर गई वो। कैसे? मेरे बाप ने कोयता लेकर उसका गला काट दिया। देखो छोटा सा गला था, आधा कट गया। ये देखो ऐसे पड़ी हुई थी और मुझे ही देख रही थी, आंखों से देख नहीं पाई, सारे शरीर में खून। गलती मेरी थी, गलती। अगर उस टाइम मैं फिल्म देखने नहीं जाता ना तो मैं मेरी माँ को बचा लेता। भाई मणि भाई मुझे कोयता दे दो ना, मेरे बाप ने जैसे उसको मारा ना मैं भी उसका ऐसे ही गला काट दूंगा। ये हंस रहा है भाई, मुझे देखकर हंस रहा है, मुझे देख रहा है। आप लोग क्यों हंस रहे हो, मजाक लग रहा है ना कि ये कहाँ काटने जाएगा? भाई इसको बोलो ना हंसो मत, मुझे खराब लगता है भाई। स्टॉप, हंसो मत, बोलो ना मैंने हंसो मत, चुप रहो। ए तेरे तो क्या कर रहा है, बैठ ना, बोला ना बैठ। वो पी के बोल रहा है ना, बोलने दे। क्या रे कुमार, तुझे माँ बहुत पसंद थी क्या? किसको पसंद नहीं होती, कुत्ते बिल्ली को भी अपनी माँ पसंद होती है। मेरी माँ जो है ना मुझे बहुत मारती थी, मुझे दर्द ही नहीं होता था, फिर भी मैं बोलता था उसको मत मार, लेकिन फिर भी वो सुनती नहीं थी, मार ही देती थी, लेकिन शरीर पर कोई असर नहीं होता था, लेकिन फिर भी मैं एक्टिंग करता था कि मुझे बहुत लगा है। अगर गलती से भी एक मार लग गया ना तो उसकी आंखों से आंसू टपक जाते थे। अरे मेरा राजा, तुझे मैं कभी मार सकती हूँ क्या? तू तो मेरी आंखों का तारा है बेटा, सीधे से स्कूल जाने का और गवर्नमेंट ऑफिसर की नौकरी करने का। वो बहुत ही उम्मीद से बोलती थी मणि, मुझे भी अजीब सा लगता था, तो मैं भी उसको बोल देता था बस स्कूल जाना है ना, कोई बात नहीं मैं चला जाऊंगा स्कूल। अगर मेरी माँ जिंदा होती ना तो मैं कभी भीख नहीं मांगता, यहाँ पर आने की जरूरत ही नहीं होती, डॉक्टर भी बन जाता था। ए, चुप रे। क्या रे मनी, इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है, और हम लोग क्या पैदा होते वक्त गंजा पैदा हुए हैं? अरे मेरे भी तो एक माँ थी, पता क्या हुआ, मैंने बस उससे इतना ही पूछा था, बाप के घर से बाहर जाने के बाद तू टेलर के साथ क्यों सोती है? चूल्हे से खोलता हुआ पानी उठाया और मेरे ऊपर डाल दिया, ये देख पूरा जले का निशान है, 2 महीने तक हॉस्पिटल में पड़ा था मैं, और आज वही मेरे पास आकर मेरे से पैसा मांग रही, थोड़ा सा पैसा दे दे।
मैंने भी उसे भगा दिया। सबकी एक कहानी होती है कुमार, देखो अपने जीवा की कहानी ले लो, वो मजाक ही लगेगी। ए, तुझे सब कहानी लग रही है? नहीं भाई, सुनने में इंटरेस्टिंग लगती है, एक बार सुन तो लो। ए कुमार, तू चल बता, बता ना। क्या वो मुझे जीते जी मार रहा है? क्या है कि मेरा बाप लॉरी ड्राइवर था, पता नहीं कहां से एड्स लेकर आया और आकर उसने मेरी माँ को दे दिया। मेरी माँ को देकर खुद तो ऊपर चला गया। थोड़े दिनों के बाद मेरी माँ भी बीमार पड़ गई। मैं और मेरी बहन घर का काम करके उसे खाना खिलाते थे। एक दिन उसने अपने ऊपर घास लेट डाला और मर गई। इस बार भी नहीं चाहिए क्या? तुझे डर लगता है तो बता दे, या फिर मैं नहीं। क्या है, महीना भर मेहनत करके कमाता है फिर मुझे लाकर दे देता है? मैं जाऊं क्या? और कोई काम है क्या? हुँ? लगा लगा जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी से चिपका चिपका चिपका। hey, तूने ठीक से पता किया था ना? क्यों भाई टेंशन ले रहे हो, आज सब दूसरे काम से बाहर गए हुए हैं, यहाँ कोई नहीं है, कंफर्म न्यूज़ है। भाई वो अपने भाई के अगेंस्ट मीटिंग क्यों करता है? पोस्टर छापने से पहले जान निकल जाती है। hey, उन लोगों के एरिया में पावर दिखानी चाहिए, सुबह पोस्टर देखेंगे तो उनकी आधी जान निकल जाएगी। Hey, वो मूर्ति है क्या? वही है भाई। भाई भाई, 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 कहीं का? मैंने ठीक से पता लगाने को कहा था ना,
भाई मैं क्या करूं भाई, उनका प्रोग्राम बदल गया होगा। क्या हुआ भाई, वो लोग सिर्फ पांच ही तो हैं, लफड़ा किया तो काट डालेंगे। है, मूर्ति के अकेले आने का मतलब उसके आसपास 100 लोग होंगे, वैसे भी मूर्ति अकेले ही 10 लोगों को काट देगा। अगर उसने पोस्टर लगाते हुए देख लिया तो बहुत बुरा होगा। रुको उन्हें। गाड़ी निकाल। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? है, चल गाड़ी निकाल, गाड़ी को रोकना नहीं, चल। ए, जल्दी से भागो, निकलो। छोड़ना नहीं, मार चल कभी देखो। किसी को नहीं छोड़ना। मुझे लगता है वो हमारी गाड़ी का पीछा कर रहे होंगे, हम यही कूद जाते हैं। अपने ही एरिया में पोस्टर लगा रहे थे भाई, इसका सेठ तो भाग गया, लेकिन हमारे लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वैसे ये उन्हीं का आदमी है भाई। ये मारो से, और मारो से। कौन है भैया, एकदम चूसे हुए आम जैसा है। कोई छोटा मोटा प्यादा है भाई, बड़ा तो कोई हाथ आया नहीं। ए, इसे काट के मार्केट पे डाल दे, पता चलना चाहिए कि एरिया में पोस्टर लगाने का हश्र क्या होता है। ए, दारू पिया है क्या? जब देखो तब खांसता ही रहता है, ऊपर से हीरो बनने का सपना है, ऊपर से इसके लिए फिल्म बनानी पड़ रही है मुझे। अब आप ही देखना कि फिल्म कैसे चलती है। अबे वो चश्मा निकाल के जाबे। हाँ, तू सिर्फ तमाशा देखते जा। भाई वो खेल रहा है, धीरे धीरे करके मारेगा वो, उसके आदमियों को ऐसे ही मारा था ना, इसलिए भूलेगा नहीं वो। जैनी, मैं अनबू बोल रहा हूँ, मूर्ति के एरिया में हम पोस्टर लगाने आए थे, थोड़ा लफड़ा हो गया, तू आदमी भेजता है? 100 लोगों से ज्यादा होंगे। क्या कहा, छोड़ दूं? हाँ ये भी सही है, ठीक है, ओके। हे, चल रे। हे, अरे चल भाई। कुमार, उसकी फिक्र मत कर, उसकी कहानी खत्म हो गई, चल। भाई इसे मार डाला तो? क्या कहा? हाँ तेरी बात भी सही है, चल चल कर देखते हैं क्या कर रहे हैं उसके साथ। है, बस हो गया यार। हाँ भी नहीं भाई, याद है ना उन्होंने अपने कृष्णा के साथ क्या किया था? ए बस, सांस फूलने लगी है, इसे मारकर अब खत्म कर दो। ए, किसी और जगह पे मार। ए, क्या टाइम पास कर रहे हो, जो कर रहे जल्दी करो। भाई इसका हो गया है, छोड़ी से। अब इसका क्या करें? अबे किधर जा रहा है, बचेगा नहीं तू। हिट। ए, बस हो गया, बहुत टाइम हो गया रे, वरना भाई चिल्लाएंगे। मारना, मारना, अरे मार, मारना, मार, मारना। क्या हुआ, मारेगा, मारना, अरे मारना तो मारना।
मुझे दर्द नहीं होता, नहीं होता, थोड़ा भी नहीं होता। अरे मारो ना, मारो, मारो ना, मारो, नहीं मारो क्या? अरे मारो! भाई इसने मारा क्या? कसम से मैंने अपनी आंखों से देखा, सही कह रहा हूं, ऐसे हाथ करके फटका मार रहा था। बाप रे, मुझे आवाज सुनाई दी थी। अरे वो बोल रहा था हड्डी टूट गई, एक आदमी वो भी अकेला, शेर के जैसा खड़ा हो गया, आजू बाजू में 100 लोग, ऊपर से मूर्ति अलग। अरे कौन है रे ये, कितनों को तोड़ डाला इसने, हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है। वो लोग पागलों के जैसा ऐसे ढूंढ रहे होंगे। मरने वाला बड़ा आदमी था ना, मामला ठंडा होने में समय लगेगा, ये यहीं पर सेफ है। क्यों भाई, टेबल पे बैठ के खा सकते हो ना? भाई की गर्मी अभी तक उतरी नहीं है। कुमार, ए कुमार, तेरे से मिले तेरे दोस्त आए हैं। चलते, चलो बहन। दीदी। हाँ तुम जाओ, मैं आती हूँ। सिगरेट। नहीं 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 चाहिए, मूड नहीं है।
अरे शांत रहो, शांत रहो। ऐसे चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, सब एक एक करके बोलो। देखो भाई, यहाँ के लोगों को आप अच्छे से जानते हो, अगर एक खूनी को इन लोगों से मिलवाया तो परेशानी हो जाएगी। हमारी भी कोई इज्जत है भाई, उसे किसी और काम के लिए भेजो, देखते हैं क्या करता है वो। ए भाई, तेरा इम्तिहान ले रहे हैं, तू डर मत। हाँ, तू किस टाइप का आदमी है ये मालूम नहीं होना चाहिए। और सुन, गाड़ी में कभी भी साइड लॉक मत लगाना, जल्दबाजी में प्रॉब्लम हो सकती है, समझा? चल यहाँ से थोड़ा दूर चलना है। आज बड़ा काम कुछ नहीं है, एक आदमी का हाथ काटना है, उतना ही, दाया हाथ। हाँ, नोट कर ले। ठीक है भाई, चल। वही घर है, वो आदमी डेली 10 बजे घर आ जाता है, 1 बजे जाएगा, उसी वक्त कांड करना। किसी को रखा भी है वो देख, ये उसी की गाड़ी है, वो गाड़ी वहाँ खड़ी करके वहाँ पैदल जाता है, इसलिए हम उन दोनों के बीच में खड़े हैं, क्या समझा? समझ गया? वो आदमी बस आता ही होगा। क्या दिख रहा है? ऐसे देखेगा ना तो तेरे कपड़े फट जाएंगे। छह, देख, ऐसे चुपचाप देखने का और तुरंत वापस आने का, समझा? सिर्फ 1 सेकंड, 1 सेकंड का ही टाइम होता है, उतने में सब नोट कर लेना, समझ गया ना? जा देख। क्या देखा? आदमी नहीं आया। और क्या देखा? क्यों बे फालतू में टेंशन दे रहा है? अबे बेवकूफ। गली में एक आदमी चलता हुआ आ रहा है, एक आदमी बालकनी में खड़ा होकर देख रहा है, और 3-4 बच्चे खेल कूद रहे हैं, 2 कुत्ते घूम रहे हैं, और 3 घरों का दरवाजा खुला है, देख। क्या सही था ना? आंखों को कैमरा जैसा इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ भी छूटा नहीं चाहिए। हाँ, ये ले, यही तेरा हथियार है, घर ले जाके पूजा करके संभाल के रख लेना, पकड़ना। हाथ कांप रहा है देख, सीधे से पकड़। ऐसे रख, वो दिखना नहीं चाहिए और निकालने में इजी होना चाहिए। निकाल कर देख, अंदर रख, निकाल के देख, अंदर रख। कोई बात नहीं, और 5 मिनट बाकी है, वो कमीना आ सकता है, अलर्ट रहना, हाथ कमर पे ही रहने दे। डर लग रहा है क्या? झूठ मत बोल, डर लग रहा है ना? मुझे भी डर लग रहा है, ये गलत नहीं है, ये डर ही तुझे बचाएगा, अपनी जान का डर रहेगा तो दूसरों की जान ले सकते हैं ना। अरे वो सांस मत छोड़। चाकू हाथ में रख ले। जाओ बे, जाओ ना, चल जा।
तेरी वजह से दोनों मुश्किल में फंस जाते, एक काम नहीं होता है तुझसे। चला जा। ठीक है, कोई बात नहीं, पहली बार ऐसा होता ही है, टेंशन मत ले, समझा? अभी आधा ही काटा है, जाके पूरा काट के आ, एक बार खुद से काटेगा तो पता चलेगा, चल जा। जा बे। चल आजा, चल, फिक्र मत कर, तेरे बारे में अच्छी रिपोर्ट दूंगा उधर। कुछ भी हो, चेहरे पर डर नहीं होना चाहिए। ये तेरा खुद का मामला है कुमार, तूने मूर्ति के आदमी को खलास किया, अब वो लोग तुझे खलास करने के लिए ढूंढ रहे हैं। अब अगर अपुन लोग बीच में आएंगे ना तो गैंगवार हो जाएगा। क्या मारेगा? मारेगा? आना! चल 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 चले। हेलो। हाँ सरोजा, कृष्णा मैडम है क्या? वो तो कस्टमर के साथ महाबलीपुरम गई है कुमार, कल आ जाएगी वो। अर्जेंट है क्या? किसी और को भेजू? हाँ? नहीं। चाहिए तो फोन नंबर दे देती हूँ, बात करोगे? ए, तेरा फोन है तेरा, इस नंबर से आया है? हाँ? सबको नंबर क्यों देती है? कहीं भी जाओ तो नंबर देना पड़ता है। अच्छा, शकल तो देख अपनी। हेलो, मारा क्या? हाँ? तुझे मारा क्या? नहीं नहीं, क्या बात है? तुझे देखना है। हाँ? देखना है तो कल आऊंगी। ठीक है।
तड़प रखती हूँ। बाद में फोन करती हूँ। भाई मेरे लिए, भाई क्या तेरे लिए? हाँ, उस लड़की की वजह से ही धंधा चल रहा है। वहां सब कृष्णा वेणी बोलकर ही आते हैं, उसे कैसे छोड़ दे? नहीं अनबू भाई, उस बेचारी को वो काम पसंद नहीं है। तो हमें ये काम पसंद है क्या? हाँ, अरे ये धंधा है। है सुन कुमार, तुझे बहुत सी चीजों के बारे में पता नहीं है। हाँ, हमारे भी बहुत सारे रूल्स हैं। तू क्या करता है ये मैं नहीं पूछता हूँ, लेकिन मैं उस लड़की को नहीं छोड़ सकता। पहली बात तो यह है कि तेरा मुझसे ये बोलना ही गलत है। तुझे वहां ले जाकर छोड़ने वाला मैं ही हूं। हाँ, किसी के बारे में बिना कुछ जाने बोलने का नहीं। है क्या रे, आजकल तेरा नाम बहुत हो रहा है, सब लोग तेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, फिर ये सब क्यों? हाँ, अगर चाहिए तो दो दिन उसे कहीं लेकर जा, मजे कर, और तू है कि उसे छोड़ने के लिए कह रहा है। सुबह सुबह आकर मजाक करता है। नहीं भाई, वो अच्छी है, उसको छोड़ दो। मुझे डरा रहा है? मैं डर जाऊं क्या? हाँ, ये तू नहीं बोल रहा है, वो लड़की बोल रही है। तू उसके साथ सोया, ये जानकर मेरे को खुशी हुई। तेरे को क्या बोला उसने? तू बड़ा आदमी बन गया है, सब लोग तेरे से डरने लगे हैं। तो बच्चा है। तेरे जैसे कितनों को देखा है मैंने। तुझे मैं अच्छी तरह जानता हूं, इसीलिए प्यार से बात कर रहा हूं। चल जा। अरे यही सब करके अपुन यहां तक पहुंचा है। भाई क्या है रे, इसे मेरे बारे में पता नहीं है क्या? वो काम पे नहीं आएगी। हे, अंदर रख उसे, इसके लिए उसकी कोई जरूरत नहीं है। हे, ले जा इसे। चल जा, नहीं तो कुछ हो जाएगा, बड़ा आया ऑर्डर देने वाला। हे, अरे अच्छे से काम कर, एक ही जगह पे लगा पड़ा हुआ है। हे, हे, क्या घूर रहा है रे? हे, चल चल। हे, हे, क्या बोल रहा हूं, तेरी समझ में नहीं आ रहा? हाँ भाई, नहीं भाई, भाई बिना बात की टेंशन मत लीजिए। छोड़ दीजिए इसे, हाँ इसे क्या पता है। ए, जाबे, कौन क्या है ये जाने बिना, ऊपर पता चला तो मामला बिगड़ जाएगा, निकल भाई। चलो चलो भाई चलो। क्या रे, मेरे लिए आदमी भेजती है? मेरे पास तो कैसे आई थी, भूल गई क्या? हाँ डांगा तुझे। तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई? हाँ क्या, काम नहीं करना है तेरे को? हाँ कल का आया छोकरा मुझसे जुबान लड़ाता है, उसकी तो क्यों रे, तूने उसे ज्यादा खुश कर दिया? हाँ, जो वो तेरी बातों में आ गया, तुझे क्या लगा वो कोई तोप है? अब एक हफ्ता तू ऐसे ही पड़ी रह। ए सरोजा, जब तक मैं ना कहूँ इसे इसी तरह रहने देना। थू। उसने तुमसे कुछ मांगा था क्या है? अरे चुपचाप अपना काम कर रही थी वो, मार डालेगा तू उसे, तुझे मारने के लिए आदमी ढूंढ रहा है, जाके एक हफ्ते के लिए कहीं छुप जा। चल जा, हम लोग हाथ जोड़कर कुछ करते हैं तेरे लिए, यहाँ रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते, काट डालेंगे तुझे, बचना है तो निकल जाए यहाँ से। चल जा।
फालतू का काम करता रहता है खाली फोकट। अनबू के साथ दुश्मनी नहीं करते कुमार, ऊपर तक न्यूज पहुंच जाएगी, तू दूसरा कोई आसरा ढूंढ ले। खाना अच्छा है ना, तेरी माँ ने बनाया है। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, उस दिन रुकने को बोला तो भी भाग गया तू। फिर कुछ लड़कों ने मुझे बताया चाचा अपना कुमार एक बड़े गैंग में काम करने लगा है, अब तो वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। पहले तो मेरे को यकीन ही नहीं हुआ, फिर मैंने उन लड़कों को पार्टी दी। अरे क्या हुआ, तू क्यों शर्मा रही है, तेरा भाई है ये, चल ला दे इसे। बहुत शर्मीली है ये। तू फिक्र मत कर कुमार, जब तक दिल करे तू यहां रह सकता है। अब हम लोग तेरे जैसा बड़ा आदमी तो है नहीं, फिर भी जितना हो सकेगा उससे ज्यादा करूंगा मैं। तुझे पैसे कितना देते हैं वो, दिल करे तो बता। महीने के 30-40 हजार रुपया दे देते हैं। भगवान है कुमार, अरे देखा तूने, तू हमेशा अपने तकलीफ के बारे में बोलती थी, मेरा बेटा आ गया सब ठीक करने के लिए। 6 महीने से मैंने कोई काम नहीं किया कुमार, उधार ले लेकर ही घर चला रहा हूं मैं, ये लोग स्कूल भी नहीं जाते हैं। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो मैंने परसों किसी की जेब काट ली, बहुत बेइज्जती हो गई मेरी। ए, ए, अरे अंदर रख उसे तू, अंदर रख। अरे देखो ये कैसे अचानक पैसे निकाल कर दे रहा है। अरे कुमार हम लोग सब एक ही परिवार के हैं। बेटा जो मुझे कहना था वो सब कुछ मैंने तुझे कह दिया, अब तुझे ही हमारे लिए कुछ करना होगा। मेरी बात समझने की कोशिश कर, इतने बड़े आदमी से पंगा लेना ठीक नहीं, वैसे डरने का नहीं, हम सब तेरे साथ ही हैं। भाई वो लड़की अपन को थोड़ा हीरो माफिक समझ रही थी, उसी वजह से अपन ने आपके साथ पंगा ले लिया, लेकिन अभी भी अपन आपके साथ ईमानदार है, अपन को माफ कर दो ना भाई, इनको बोलो कि अपन को कुछ नहीं करें। नहीं भाई। अरे पूछ इन लोगों से, रोज तेरे बारे में ही इनको बताता था कि देखो वो कितनी जल्दी कितना आगे बढ़ गया, और 4-5 सालों में वो कहां से कहां पहुंच जाएगा। तू मुझसे इस तरह आकर बात करेगा तो ये मुझे सही लगेगा क्या? हाँ मैंने तेरे लिए कितना कुछ किया भाई। छे पहले गलती करता है फिर माफी मांगता है, एक बार टपकाने को बोला तो अब मुश्किल है। हे चल उठ, नहीं मारना। अबे बहुत बड़ा गुंडा बनता है, हैं? कितना पैसा दिया था, किसने भेजा था? तो अंबू को टालने के लिए अंदर आया था ना? भाई छोड़ दो, टेंशन मत लो भाई, अंबू को खत्म कर दिया इसने, और मैं टेंशन ना लो। अभी सीरिये को कौन देखेगा, हर महीने करोड़ रुपए आते थे यहाँ से, लोग पैसे देकर सलाम भी करते थे, 30 साल दिन रात मेहनत की थी, इसे क्यों लेकर आया मेरे पास? अब मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए थे वहीं पे। क्या कर दिया अभी तूने? अभी परसों ही बात कर रहा था, इलेक्शन आ रहा था, अनबू ने बोला था, मैंने बोला उससे कि फिकर बिल्कुल मत करो, 5 करोड़ का बंदोबस्त कर दूंगा। अच्छा भाई इसका क्या करने का है? अरे पुतला लगाओ इसका, जाओ 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 ना। नहीं भाई इसे ऐसे छोड़ देंगे तो सब लोग ऐसा ही करेंगे भाई, ये अच्छा नहीं होगा। ए दले
इसको जिंदा छोड़ा ना तो कोई फायदा नहीं होगा हमें। अगर आप मुझे जिंदा छोड़ो ना तो मैं आपको जिंदा छोड़ूंगा। ए, क्या बे चाकू दिखा रहा है? तेरे चारों तरफ आदमी है, दिख रहा है ना तुझे? चिल्ला मत वरना मैं शुरू हो जाऊंगा, उसके बाद लोग आके क्या कर लेंगे मेरा। हाँ क्यों बे, ये रख कर मुझे मार दे आया क्या बे? एक ही गुस्से में निकाल कर डाल दिया होता तो। लगा तो ऐसा ही था, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ करोगे ये सोच कर। ए, अबे क्या उम्र है बे तेरी है? ए रामू, दुनिया बदल गई बे, ऐसे ही टपक टपक करके आगे बढ़ जाते हैं है? अनबू के बारे में तू क्या जानता है बे? 30 सालों से पॉलिटिक्स में रहने वाला आदमी था वो, बहुत बड़ी भीड़ थी उसके पीछे, वो सब पता है क्या रहा तेरे को? यहां से बाहर जाएगा तो तेरे को छोड़ देंगे, आज रात तो तू पार कर जाएगा। अगर कल सुबह तक जिंदा बचा पाया अपने आप को तो वीर मान लूंगा, फिर अनबू का जो इलाका है ना वो तेरा। चा भाई है अनबू के बारे में मेरे को पता है रे, है रामू, जाके असिस्टेंट को बता दे अनबू के मौत के बारे में, जा। कितना अच्छा मजा आ गया, बहुत अच्छे। देखो देखो रात में कर लेंगे। गुस्सा तो नहीं करोगे ना? एक मिनट रुक। ये ले, इतना ही दे सकता हूँ, वो भी तेरे लिए नहीं बड़े भाई के लिए। हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परसों का आया हुआ लड़का पैर के ऊपर पैर रखकर अब कानून बता रहा है, आप सभी लोग देख रहे हैं ना। अरे ये कहता है कि इस एरिया में कितना दोगे, और हम सभी को इसकी बात सुननी है। आप लोग चाहो तो पैसा भरते रहो, लेकिन मुझसे नहीं होगा, नहीं दूंगा तो क्या करोगे? क्या कर लेगा बे, सामने से पूछ रहा हूँ, फांसी लगा दोगे क्या? हे तेरी तो, क्या बोल रहा है तू? ए बापू, तुम थोड़ा साइड में हट जाओ, अपन बात करते हैं। कुमार तू अभी बच्चा है, बोलो ना बाजू हटो। कुछ होगा तो आवाज देना कुमार, हम भारी हैं। अरे तेरी तो भाई, तुम्हारे एरिया का कलेक्शन है 20 लाख, उसमें से अपन को मिलता है 8 लाख, अगले महीने से 15 लाख होना चाहिए,
गांजा शराब सेफ्टी सब कुछ बड़ा कर देने का है, ऊपर भी देना पड़ता है। क्या बोल रहे हैं अपन, समझा कि नहीं? ए, मैं बोल रहा हूँ ना कि नहीं दूंगा। ए भाई, तेरा मामला बाद में देखा जाएगा, अपन उन लोगों से बात कर रहे हैं ना। ए भाई लोग, किसी को पैसे भरने की जरूरत नहीं है, हम लोग ही जाकर बात करके कोई फैसला ले लेते हैं। अभी तुम लोग सब निकलो यहाँ से। मैं भी देख रहा हूँ, बहुत ही लाट साहब जैसे बात कर रहा है, हा? हम तुम्हें पागल लग रहे हैं क्या? ए, गली जाकर मुखिया से कहो कि इस कमीने को बदलो, नहीं तो किसी भी एरिया से 10 पैसा भी नहीं मिलेगा। पनौती कहीं का, गली में गोटी खेलने वाला यहाँ बैठकर ऑर्डर दे रहा है। अरे 4 लोगों का कत्ल किया तो सीट पर बैठा दिया, वो 1 साल और 1 साल से जान लगाकर काम कर रहा है। ए, कल सुबह आऊंगा, तू इस शहर में दिखना नहीं चाहिए, अगर दिखा तो काट। ए, कल सब लोग मेरे अड्डे पर आ जाओ, आज के बाद मैं ही सब कुछ हूं, समझे क्या? बच्चे अच्छा बढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तेरे भाई सिद्धू ने बताया कि मैं अपने छोटे भाई के मारने की बात भूलकर दोनों दोस्त बन जाएंगे। उसने कहा कि आपने बोला है, ऐसा होगा नहीं, तेरा आदमी सिद्धू बताएगा। देख, ए, और गिन के 3 दिन तू भी नहीं रहेगा। तेरे मरने के बाद मेरे भाई की बीवी तेरा फोटो निकालेगी और तू फालतू में कॉमेडी कर रहा है, हा? तेरे आदमी सिद्धू की बॉडी भेजवाता हूँ, क्या? चल बाय। हम लोग जा रहे हैं बेटा, ये सोचकर आया था कि हम सब साथ में रहेंगे, लेकिन जो हो रहा है उससे अपनी इज्जत ही नहीं बची। बस तू अच्छे से रह, हम लोग तुझे दूर से ही देख लेंगे। मनी, हाँ वो लेके आजा। सेल्वम भाई ये ले लो। भाई क्या है ये? इसमें 20 लाख रुपया है, आप लोग बांट लीजिए। पापा को अपन देख लेता है, आप लोग जाइए, कहीं भी काम करने की जरूरत नहीं है, आप लोग ठीक से रहो। अरे पकड़ो ना। तू बड़ा ही पूज्यवान है शेखर, ये तेरा एक लड़का पूरे गांव को बचा रहा है। चलता हूं भाई। गुस्से से काय को देख रहे हो, ऐसी जगह पे एक को ही बोलना चाहिए, समझे? अगर पहले से ही सब कर दिया होता ना तो अपन को ये सब करना नहीं पड़ता, लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं। वैसे आप जो बोल रहे हो वो भी सही है, मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है, वरना गुस्से में कभी मैं तुमको ही मार दूंगा, समझे? और ये जगह तो हमारे काम करने की जगह है, तो जवान लड़कियों को हम यहाँ पे रख नहीं सकते। देखो हमारे 3-4 घर है, वो जाकर देख लो और जिसमें चाहे रह लो, है ना? एक एक घर 1-1 करोड़ का है। पैसों की बात मैंने नहीं की, मैं तो साथ में रहना चाहता हूँ। अरे हम लोग तो है ही ना, हर संडे को हम लोग मिलने आया करेंगे। आराम करो पापा, क्यों अभी तकलीफ उठाने की सोच रहे हो? वेने, खर्चा पानी के लिए कुछ पैसा चाहिए तो बोलो, अपन बैठा है भिजवाने के लिए। वेने, ये सब लोग नए घर में जा रहे हैं, तू माँ और बच्चों को लेकर चली जा, जो जो चाहिए वो सब लेके दे दे, ठीक है? अभी? हाँ अभी, खाली घर में ये लोग क्या करेंगे, जा। आइए। मनी, हाँ, तू पापा को लेके जा, अनबू का घर बता दे, हाँ, जो भी घर पसंद है उसकी चाबी दे दे, हाँ, ठीक है, हाँ? और जल्दी से सामान उतार के घर को सेटल करके दे देना, हाँ? ठीक है भाई। अरे जाओ ना पापा, शाम को अपन आपको फोन करता है। ये मेरा, ये तुम्हारा, हाँ। अरे जल्दी आओ, कितना टाइम लगाती हो, हाँ?
पत्नी, मुझे घर बहुत अच्छा लगा। कितना बड़ा घर है, जिंदगी भर उस छोटे से घर में रहने का क्या। अच्छा वो जिस घर के बारे में बोला वो कैसा होगा? अरे आजा आजा अंदर आना। आजा जी आजा, बैठो बैठो। कुमार ने बोला कि देख क्या सब कुछ ठीक है ना। चल आओ, चल 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 चल। तो यही है, अब तुम जाओ। ठीक है भाई। क्या हुआ? यहां उतर जाइए भाई। यहां? हाँ, यहां से थोड़ी दूर चल के जाना होगा, गाड़ी से नहीं जा सकते। अरे भाई घर कहाँ है? हाँ देखो यहाँ पे चारों तरफ देखो, बस खेत ही खेत है। आपको पसंद आएगा ना? अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं घबराने का नहीं। अब छे क्या हुआ? उस गड्ढे में उतर कर सो जा। हाँ नखरे नहीं करने का। हाँ कौन है रे? छे अरे चैन से मजा भी नहीं लेने देता, कौन आ गया इतनी रात को? क्या हुआ भाई? अरे बोल। अरे ए ए ए ए अंदर नहीं आने का। ए तो ए छोड़ेंगे नहीं तुझे। तुम लोग निकल आ गए। अरे तो अरे ए जाओ। मैंने तुम लोगों पर विश्वास किया और तुम लोग मेरे साथ ये कर रहे हो। अगर कुमार को पता चला तो छोड़ेगा नहीं। अभी जाकर मैं उसे पीछे हटो। अगर मेरे बेटे को पता चला तो वो तुम सबको मार डालेगा। छोड़ो छोड़ो मुझे। कुमार मैं बनी बोल रहा हूँ, तेरा बाप बात करना चाहता है। ये लो बात करो। हेलो कुमार बेटा, ये लोग गड्ढा खोद कर रखे हैं और ये मनी कह रहा है कि जाकर उसमें सो जाओ। अरे बेटा इसके बारे में तुझे पता है क्या? तू इसे समझा दे बेटा, ये मेरे से होशियारी कर रहा है। मैं बहुत डर गया हूँ बेटा, मुझे तो ऐसा लगा कि तू अपनी माँ का बदला ले रहा है। अब उन्हें क्या बोला? मुड़ी को दे। हाँ ए, मेरा बेटा तेरे से बात करना चाहता है। हाँ 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 ठीक है ठीक है, आ जाते हैं। ए, 10 बजे कुछ काम है बोल रहा है, बोल रहा है कि जल्दी जाना है। ए, 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 जल्दी सो जाओ ना, काम है हम लोग का। भाई अंदर आ सकता हूँ क्या? नहीं भाई, अरे नहीं भाई, चाहिए अपने पास को चाहिए नहीं मुझे, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है ना, कुमार को मेरे बारे में बोलना। चलते हैं। मेरी बात सुन, मुझे छोड़ दे भाई, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। अरे उससे बोल देना कि मैं बुड्ढा हो चुका हूँ, अरे मैं उसका क्या बिगाड़ पाऊंगा। एक बार उसे माफ करने को बोल दे। ए मनी मनी, मेरे बच्चे रास्ते पर आ जाएंगे, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे छोड़ दे, छोड़ दे मनी। बहुत मनी परेशान कर रहा है, मार खा के ही मानेगा, बोल रहा हूँ ना, चुपचाप सो जा। ए चल डाल रहे, नहीं नहीं अरे मुझे ए, मुझे माफ कर दो। ओ
उसको बोल देना कि तूने मुझे गाड़ दिया, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा बेटा। तू अपने बच्चे को जानता नहीं है, सुबह आके चेक करेगा गड्ढे को, तब क्या जवाब देंगे? मिट्टी नहीं 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 नहीं, अरे मिट्टी मत डालो, नहीं नहीं, अरे ये मत करो, ऐसा मत करो, अरे मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं भी बहुत बड़ा गुंडा था। अरे तुम लोग बहुत परेशानी की बात नहीं है। नमस्ते सर। सर नमस्ते। नमस्ते 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 सर, कैसा चल रहा है? नमस्ते सर। हाँ बढ़िया। नमस्ते 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 सर। अच्छा नमस्ते सर। हाँ ठीक है ठीक। और भाई कैसे हो? आप बढ़िया हूँ। चलो ठीक है, मिलता हूँ। थैंक यू। नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मीटिंग में है, आप जाइए ना। मैं हूं ना चिंता। नमस्ते भाई। जरा आप लोग बाहर जाएंगे क्या? अरे बैठे? भाई बैठिए। बैठने का मालिक के सामने। अरे लाओ ना, मेरे पे भरोसा करके आपने मेरे को एरिया दिया, ये आप उनका कलेक्शन है 2 करोड़। गणपति विघ्नराजो लंबतुंडो गजानन द्वय मातुरश्चैरं वेगदंतो गणाधिप विनायक चारु करुण पशुपालो भावात्मज द्वादशेतानि नमामि प्रातः उत्थाय य पठेत विश्वं तस्य भवेत्। नमक की कंपनी में काम करती हूँ, मैनेजर है इसलिए यहाँ वहाँ हाथ लगाता है, मुझसे गंदी गंदी बातें करता है, कहता है कि अगर एडजस्टमेंट नहीं किया तो काम से निकाल देगा। मेरे बच्चे को पुलिस स्टेशन लेकर गए हैं साहब। मेरे पापा पीकर आते हैं और माँ को बहुत मारते हैं सर। राशन दुकान का सारा सामान होटल वालों को बेच देते हैं, कुछ कहने पे मारते हैं भाई। इंस्पेक्टर घर के कपड़े धोने के लिए कह रहा है सर। घर बेचने को बोल रहा है भाई, बोल रहा नहीं तो मार डालेगा। क्या भाई बुलाओ भेजा क्या? आओ कुमार, अंदर चल के बात करेंगे। अरे भाई क्या हुआ? आ बेटी नमस्ते बहन जी, सब ठीक ठाक तो है ना? तू जा बेटी जा, कुमार आ गया सब देख लेगा, तू जा आराम से जाना। क्या हुआ भाई, आपका बेटिया सर क्यों रहा है? यही के कॉलेज में पढ़ रही थी कुमार, उसके फ्रेंड्स कुछ ज्यादा ही हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, रात को देर से आती है, पार्टी डिस्को वगैरह बोल के जाती है। ठीक है आज के बच्चों की सोच है ये सब तो, लेकिन परसों रात को अपने एक दोस्त के बर्थडे में गई थी बोलकर, यही महाबलीपुरम के बाजू में एक गेस्ट हाउस है वहीं पर, सबके साथ इसने भी पी ली थी और बेहोश होकर गिर गई। 3 लड़के इसे अकेले रूम में ले गए।
एक एक करके इसकी इज्जत लूट ली। क्या करूं मैं कुमार, क्या करूं? भाई अपुन ये समझ सकता है। नहीं कुमार, वहां तक तो ठीक था, लेकिन उन लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया। अब क्या बोलूं मैं, बोलते अपने बाप से 2 करोड़ रुपए लेकर गया, नहीं तो वीडियो वायरल कर देंगे। मुझे पैसों की फिक्र नहीं है कुमार, पैसा लेकर भी काम नहीं हुआ तो मैं किसके सामने हाथ फैलाऊं? यहाँ पे जितने भी पुलिस वाले हैं सबको मैं जानता हूँ कुमार, पार्टी में भी सभी मेरे मित्र दोस्त ही हैं, लेकिन मैं उनसे मदद मांगूंगा तो मेरी बेटी की इज्जत का क्या होगा? चलो रियली बहुत मजा आया सच में। ओके बाय। ओके बाय, टेक केयर बेबी, बाय। या या हेलो, सामने से हटो, हमें कार निकालनी है। तेरे को घर में ढूंढते नहीं है क्या, इतनी रात में तो ऐसे घूमती है। व्हाट, हे क्या बोल रहा है? माताजी हिंदी जानती हो क्या? यहाँ से थोड़ा जाओगी क्या? आप उनको इनके साथ बात करने गए। हे लुक, ठीक है रे, मेहनत करके इसको पटाया होगा तो फल तो चाहिए ना। कोई बात नहीं, बस 10 मिनट रे प्लीज। चार्मिंग यू गो देयर, वेट आई विल कम। कम सून। क्या हुआ? हाँ आप उन वीडियो लेने आए हैं? हाँ नहीं समझा, तनुजा का वीडियो तुम लोगों ने गेस्ट हाउस में जो बनाया था। पैसे ये दिखा इसको। हाँ तनुजा नहीं आई है? तनुजा नहीं आई? हाँ आएगी आएगी, पैसा देख लिया ना, चल कैसेट दे। मुझे पागल समझा है तूने, कैसेट चाहिए तो पैसे देने ही पड़ेंगे, पैसे देकर जा, तेरे पास कैसेट पहुंच जाएगी। सेल्वम तेरा प्रैक्टिस अभी भी कम है रे, वो हल्का सा चिल्लाया ना, इसको उठा के डिक्की में डाल। कैसेट किधर है? तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, वो तुम सबको मार डालेगा। सेल्वम ए ए ए ए पागल हो क्या? हाँ, इसको अच्छा लिया। थैंक्स भाई, उठा के डिक्की में डाल दो इसको। कैसेट किधर है? क्या मालिक अब तक सोए नहीं क्या? अपन को काम पे लगा दिया तो आराम से सो जाने का ना। हाँ ये लो, ये एक ही था, दूसरा कोई कॉपी नहीं था, और आपका पैसा भी। कुमार तू नहीं होता तो क्या होता, तेरी एक बड़ी सी फोटो यहाँ हॉल के बीच में लगाऊंगा और दिन रात तेरी पूजा करूंगा, आप जाके सुकून मिला। क्या कुमार इतने बड़े घर की लड़की भी पीती है? पीती है ना, वो क्या है ना, ये लोग ही जगह दे देते हैं, तो फिर उन लोगों ने भी तो पी रखी थी ना बेचारे, तो उनको भी जोश आ गया और वो लोग खेल गए। अब इसमें किसको दोष देना चाहिए बताना? सब लोग लड़कों को दोष देंगे तो ऐसा नहीं चलता ना। अब उसने कैसेट तो दे दिया तो उसे छोड़ देंगे क्या? मेरे बाप को जिधर गाड़ा था ना, अभी वहां पर कोई नहीं होगा ना। राजे ईस्ट वेस्ट रोड पे चल। कुमार ऐसे ही दफना देने का, ज्यादा सोचने का नहीं। हाँ किया है, किया है, बहुत कत्ल किया है अपन, लेकिन वो सब कोई बड़ा मैटर नहीं है। जो पहला कत्ल करता है वो देखो ना, उधर ही मैटर होता है। अरे वो ऐसे चाकू निकाल के ऐसे ही उसके शरीर में घुसा कर निकलने वाले खून को जब देखते हैं ना, ऐसी करके एक आवाज, वैसे ही शरीर में एक जोश आ जाता है। मेरे को भी आया था। उसके बाद कत्ल करते जाओ, कुछ भी एहसास नहीं होगा। Hey! Hey! Hey!
मैं ऐसा करके वो एक नशा, ज्यादा ही नशा, नशा चढ़ते चढ़ते लुढ़क जाना। फिर हम जो सोचते हैं वही इंसाफ है। आइए 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 आइए, मैं तो डर ही गई थी कि तुम लोग आओगे ही नहीं। आओ मेरी बच्ची। हे क्या यार, पहले इतना कुछ दिया वो कम है क्या? अरे ये क्या, आरती के थाली में डाल दिया, सारे नोट खराब हो जाएंगे। अच्छा चलो। ये मेरी छोटी बहन है भाभी, अभी तक मदुराई में थी, आपने नहीं देखा होगा। ए, गलत बात है ये, झुक के पैर छुओ। ए, अरे नहीं नहीं, अरे अरे रहने दो, नहीं चाहिए, अरे मत करो ऐसा, अरे काहे को पैर, तुम पैर पड़ा, अच्छा नहीं लगता ये। जाओ ना। तुम सब इतने बड़े घर में शादी करवा सकते थे क्या? हाँ बस बस, उठ जाओ उठ जाओ, खड़ी हो जाओ। हाँ, जाओ जाओ। चलती हूँ भाई। हाँ। कुमार मुझे थोड़ा काम है, खाना खा के ठीक है, जाना भाई, जा जा। मैं आता हूँ, आता हूँ, आता हूँ, आता हूँ। इसको कैसे बांधना है समझ में नहीं आ रहा है। फूल कहाँ रखी है तुमने? कहाँ कितने देर से ढूंढ रही हूँ? मैं नीचे गई थी। अच्छा लक्ष्मी दीदी आ गई क्या? हाँ हाँ आ गई। अरे दरवाजा खुला है, पहले बंद कीजिए। मंगलसूत्र उठाकर दो। अरे अरे बिना, अरे तू जा यार यहां से, मैं बोल चुका हूं पहले, तू जा। अरे तू जा, मैंने बोला है सबसे तुम दोगे, दो ना। अरे क्या यार तू बिना, चल शर्मा क्यों रहे, दो दो, चलो दो चलो, दो दो ना। हाँ एक मिनट रुको, आता हूं। मंगलसूत्र पहनाइए। अरे क्या हुआ? अरे ये मातम का घर है या शादी का घर है, ऐसे क्या रो रहे हो? क्या रे मणे, तेरी छोटी बहन से मैं शादी नहीं कर सकता क्या? हाँ अरे वो दूल्हे से आपुन किस मामले में कम है बता? हाँ कौन है बे वो? महीने का 4-5 हजार रुपया कमाने वाला ऑफिस का वो क्लर्क है, एक तोला सोना खरीदने के लिए उसको एक साल काम करना पड़ेगा, दिवाली होली में ही उसको नया कपड़ा मिलेगा, एक सिंगल फैमिली में 4 बच्चों के साथ इसको तकलीफ उठाने के लिए वहां पे भेज रहा है क्या? वो आपुन से देखा नहीं जा रहा है। ए, मेरे बारे में तू जानता नहीं है? तेरी बहन बोले तो मैं उसको कैसे रखूंगा पता नहीं है? तेरी मां रो रही है, तेरा बाप रो रहा है, तू कैसे रो सकता है बे? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा, सही में मुझे अच्छा नहीं लगा।
तू इतने दिन मेरे साथ रहकर अब तू ऐसा कर रहा है, बहुत बुरा लग रहा है रे अपन को। तुझे ईमानदारी से अपन का साथ देना चाहिए ना, मेरे को हार पहना कर धोती कपड़ा पहना कर आजा इसके साथ स्वागत कर ले, ऐसा तुझे बोलना चाहिए। तू अपन का दोस्त है ना, नहीं है क्या दोस्त? जाओ चलो जाओ आगे जो करना है देख लेंगे। पहली रात का बंदोबस्त अच्छे से होने दो। ए चाचा जी दूध फल इन सब का इंतजाम करो ना। अरे माँ क्या माँ, लगता है तू अपने को रुला रुला के मार डालेगी, चल ना जा। ए जा मणि, सभी को शादी करने की इच्छा होती है ना, समझा कर रहे? क्या भाई इतना बड़ा आदमी और एक धोती बांधा नहीं आता? आदत नहीं है ना, आप उन धोती बांधने का काम करता है क्या? ये ले ये बेल्ट बांध ले तभी ये रुकेगी। ये ले ये भी मार ले, बच्ची छोटी है ना उसे अच्छा लगेगा। उसने दिल में क्या क्या सोचा था पता नहीं, वो उस आदमी से बहुत प्यार करती थी लेकिन ऐसा हो जाएगा कौन जानता था। क्या बोला? नहीं भाई कुछ नहीं। बोलने का फैसला कर लिया है ना तो बोलना। देखो कुमार वो लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, वो उस लड़के के साथ शादी करके बहुत सुकून के साथ रहती, तुम बिना मतलब ही उसके बीच में घुस गए। मानता है गलत है लेकिन जानबूझकर नहीं किया रे। कहाँ गिर गया अपन? एक बात बोलता है रवि भाई, सबका बचपन से एक सपना होता है, अपन जो शादी करना चाहते हैं ना लेकिन बहुत लोगों को ऐसी लड़की मिलती नहीं है। अगर गलती से भी वैसा लड़की देख लिया ना तो सोच लो तुमसे वो छीन सकता है। जरा तुम भी सोच कर बताओ ना कि ऐसा होगा कि नहीं, वो लेगा या नहीं लेगा, बोलो। जिंदगी भर ऐसा सोचकर अफसोस करके जीने से अच्छा है एक बार गलती करना तो बेहतर ही है ना। क्या होने वाला है, 5 मिनट के लिए अफसोस होगा। अपुन बेल्ट बांध कर खड़ा है भाई। आप मेरे भाई को मार दोगे ये सही है क्या? आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, आपकी हर बात मानूंगी मैं। मेरे भाई को मत मारो, उसे छोड़ दो प्लीज प्लीज। जिसकी मौत हुई वो आपके बहुत करीब था क्या? रिश्ते में लगता था क्या? आप उनके भाई जैसा था, आप उनको सब कुछ सिखाया था। वो भाई के जैसा था बोल रहे हो, और वो तो अभी थोड़ी देर पहले ही मरा था। देख के लग नहीं रहा कि आपको दुख है, मेरे पास आकर मेरे गहने उतार रहे हो। सूत्र बांधा फिर भी नाम नहीं पता। ए, ए, तूने जो कुछ भी बोला वो सही है, रवि अपन का करीब का था, भाई के जैसा था, वो मर गया लेकिन अपन को दुख नहीं हुआ है, ठीक है लेकिन रोने जैसा तो लग रहा है, तो क्या करूं बोलना। मुझे क्या पता आपके दिल में क्या है। आप उनके दिल में क्या है वो बताओ क्या? बोल देगा फिर नाराज नहीं होने का?
आप उनका दिल कर रहा है कि अभी तेरे साथ सो जाने का। अगर तू राजी नहीं है तो ऐसा समझ ले कि आपुन तेरे भाई को मार देगा। क्या तेरे को ऐसा लग रहा है क्या? गलत मत समझना, पहली रात है, इतनी खूबसूरत बीवी तो क्या करेगा अपुन? हाँ बत्ती जलने दो या फिर बुझा दो। हाँ अपने को दोनों चलेगा, लेकिन तेरी मर्जी। ये देख तेरे को डरा रहा है ऐसा मत समझा। वो क्या है कि आप उनके दिल में था वो आपने कह दिया, तेरे भाई को कभी कुछ नहीं होगा। अब तो खुश है ना तू? मणि तो मणि ओ मन मोहिनी चल अब तू नाच ले। तो फिर क्या खास बात है? कौन आया रे? सुबह सुबह आ गया, किसी से भी नहीं मिलने गया। आप उनको बोल दे आज ऑफिस को छुट्टी है, दोपहर को खाना खाने के लिए साली के घर पे जाने गए। ये देने को कहा है। हाँ आ गए क्या? आएगा नहीं सोचा था, यही महालक्ष्मी आने का वक्त। ये ले जाकर सेल्वी के पास दे देने का। क्या देने के बाद बोलते कि भाई नहीं दिया है? ठीक है ये तेरी शादी हो गई क्या? अबे तेरी तो कैसा भोंदू है बे तू, जल्दी से जाके शादी मना ले रे। क्या खासियत होती है पता है क्या? कल रात को अपुन का फर्स्ट नाइट था, ऐसा ऐसा छुआ उसने अपुन को, अरे यार अंदर से सब कुछ पिघल गया। अच्छा वो सब छोड़, वो जो खुशबू थी ना लड़की की खुशबू, चंदन और मोगरा दोनों मिलकर, ओह उसके सर से अलग खुशबू, बदन से अलग खुशबू, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एकदम चक्री माफी घूम गया। उसने ना अपना चेहरा यहाँ पर रख दिया, उसके रखते ही ऐसा लगा कि अपुन अभी मर जाएगा। सच बोलता है अपुन, बहुत सुकून मिला। और जब सुबह उठकर देखा तो वो कौन सा फिल्म है रे, सरोजा देवी गाती हुई जाती है ना, हाँ काला मणि की आवाज जब मैंने सुनी, बिल्कुल वैसा ही लगा। गर्मा गर्म कॉफी लाई, वो भी बेड पर ही साफ सुथरी, वो चाय की दुकान से लाते और उंगली डालकर देखते हैं वैसा नहीं। ओ पता नहीं वो सब चाय अपन कैसे पीते थे यार। कॉफी पीने के बाद पेस्ट और ब्रश हाथ में देकर, ये लीजिए दांत साफ कर लीजिए ऐसा बोला। ठीक है कहकर बाथरूम में जाकर अपना ड्रेस निकाला तो पीछे से वो अंदर आ गई। क्या है सुबह सुबह ऐसा क्यों परेशान कर रही हो पूछा तो, उसने बोला पीठ घिसना है क्या? पूरे शरीर में घिस कर सर को पहुंच कर, ये देख रहा है ना रूई के जैसे बाल हो गए अपन के। पहले शैम्पू करती है बाद में कंडीशनर बोली, कितना अच्छे से बाल पे लगाया पता है उसने। सच में ऐसी खुशी ना दुनिया में किधर भी नहीं मिलती। क्या हुआ बे, किसी के चेहरे पे हंसी क्यों नहीं आ रही है? कोई सीरियस बात बोल रहा है क्या अपन? ए अपन तेरे से ही पूछ रहा है। अरे क्या हुआ बोलो ना, कोई बताएगा नहीं क्या? मणि। क्या हुआ मणि को? मणि मूर्ति के साथ जाकर मिल गया। पागल गधा गई का, अबे ये बात तू पहले नहीं बोल सकता था? बस अपुन एक रात उसके साथ अच्छे से बिता क्या दिया और सोचा कि तुम लोगों के साथ शेयर करूं, तो तुम में से एक इधर भाग गया और एक उधर भाग गया। क्यों बे? अरे मेरे को मारने का इरादा है क्या? हाँ? अगर कल बोलता तो क्या होता? हाँ? अभी तूने बता दिया तो मैं हाथ में चाकू लेकर भागू क्या? फिर मेरे कमीज पे खून के दाग लगेंगे, पत्नी के साथ अच्छे से नहीं रहो, अच्छी जिंदगी नहीं बिताओ, यही चाहते हो ना तुम लोग? ऐसे ही कसाई की तरह बस चाकू लेकर दौड़ता रहो, यही ना? कुमार क्या है? अभी तू क्या कहने वाला है? दूसरा भी कोई किसी से मिल चुका है क्या? बोलना। नहीं कुमार। तो फिर क्या? आपकी पत्नी आई है। मैं गांव जा रही हूं, मुझे लगा था कि कभी तो मेरे पास आओगे और मुझे मंगलसूत्र पहनाओगे, गलत सोचा,
मुझे तो 10 आदमियों ने छुआ है ना। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। पैसा वैसा कुछ चाहिए क्या? बहुत कुछ दे चुके हो, कुछ नहीं चाहिए। सोचा था नहीं बताऊंगी, पर मन नहीं मान रहा। कल शाम को चक्कर आ गया था तो डॉक्टर के पास गई थी। चेक करके बताया कि मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। मुझे कांग्रेचुलेशन बोले, मुझे तो हंसी आ गई थी। मैं फैसला नहीं ले पाई बच्चे को रखूं या ना रखूं। अगर तुम मेरे साथ रहते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर बच्चा पूछेगा बाप कौन है। तो गांव में बच्चे गिराने की सुविधा नहीं है। मैं चलती हूँ, जो बोलना था बोल दिया, अकेले जाकर अब रोना है। मैं दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर। गांव भी तो 1000 किलोमीटर दूर है ना। चलती हूँ मैं। प्रेग्नेंट नहीं होती तो शादी करते क्या? सेल्वी, आप उन्हें जानबूझ के नहीं किया सेल्वी। वो बेचारे कृष्णा भी नहीं है। तू ऐसे मुंह फेरेगी तो दिल को बहुत दुख होगा ना। क्या मुझे कुछ बुरा नहीं लग सकता? दवा सही तरीके से खाना। ठीक है, इन्हें देखिए, क्या देख रहे हो? सुनो ना। हाँ? क्या हुआ? क्या डॉक्टर, अपना बेटा एकदम ऐसा हो गया ना? हॉस्पिटल में डॉक्टर ने क्या कहा? लड़का होगा या फिर लड़की? वैसे आप पूरी तरह बदल गए हो, बस उसकी देखभाल करते रहते हो, हॉस्पिटल लेकर जाते हो। पहले जैसे तो बिल्कुल भी नहीं रहे। बच्चे से इतना प्यार हो गया? आपने को कुछ समझ में नहीं आ रहा है सेल्वी, लेकिन अंदर से खुशी हो रही है। कमाए हुए पैसों का कुछ मतलब होना चाहिए ना। क्या क्या सोच रहे हैं अपन? अपना बाप सही नहीं था इसलिए अपन ऐसा हो गया। इसमें आपुन का तो कोई गलती नहीं है। अपनी औलाद को अपन इधर नहीं रखने का, उसको फॉरेन भेजने का। तू देखती रहना क्या फास्ट इंग्लिश बोलेगा वो। ऐसा इंग्लिश बोलेगा वो, अपन कुछ समझेगा भी नहीं। ठीक है बेटा, ऐसा कह के सुनना पड़ेगा। आपके साथ जो लोग हैं वो भी बातें करते हैं, आपने सुना क्या? क्या है? कहते हैं क्या वो बच्चा सच में आपका ही है? हे! मुझसे क्यों नाराज हो रहे हो? अब उस लड़की का धंधा ये था, सोची होगी कि मेरे बच्चे को बाप का नाम तो मिल जाएगा, क्या पता। पर आपको यकीन है तो ठीक है, कल आपके पीठ के पीछे कोई आप पर हंसे ना ये देख लेना। क्या बोल सकते हैं, आपके साथ ही इतने लोग रहते हैं उनमें से किसी का हो।
कुमार का और इस पार्टी का कोई संबंध नहीं है। मैं उससे कभी भी किसी काम के लिए उससे नहीं मिला हूँ, सुन लीजिए आप लोग। और ये बात मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, ये सब मेरी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई है पक्के तौर पर। घर में भी जाकर देखा कुमार, मालिक गांव में नहीं है, मालिक मदुरई गए हैं ऐसा कह रहे हैं। यही है कुमार, जब तक काम लेना तब तक साथ में रखेंगे, हमें कुछ तकलीफ हुई तो निकाल देंगे, इनके ऊपर भरोसा ही नहीं कर सकते। बेचारी वो कृष्णवेणी भी अंदर है, गर्भवती औरत, उसका क्या होगा पता नहीं। तू सरेंडर करेगा तभी वेणी को वो लोग बाहर निकालेंगे। क्या करता है? चलो तुम इधर चलो। वकील लोग कह रहे हैं केस बहुत स्ट्रांग है कुमार, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ए, उस आदमी ने सब कुछ किया तो मैं अंदर रहूं क्या? देखो आप लोग क्या करोगे अपन को नहीं पता, अपन को बाहर आने का है, नहीं तो दो दिन में अपन को ये लोग अंदर डाल देंगे। तुम्हारा नाम क्या है? अगर मेरे को कुछ हुआ तो मेरी बीवी मर जाएगी। हाँ नहीं नहीं, अगर आपन को आप सजा दोगे तो आपन का बीवी घासलेट डालकर उधर खुद को चला लेगा, यही आपन आपको कहने की कोशिश कर रहा है। ये क्या ऐसी फालतू बातें क्यों कर रहे हो? वो तो जिसने किया वो समझ जाएगी ना। देखो कोर्ट में ऐसी फालतू बातें नहीं करते हैं, जो पूछा जाए उसी का जवाब दो। ए, ए, चलो ए, इधर आओ। अरे भड़ी भड़ी कहाँ जा रहे हो? अरे ए, चलो तुम्हें उस बॉक्स में जाना है। कहाँ जा रहे हो भड़ी? मेरी बात सुनो। देखो भाई अब जाओ। कुमार
ये टीएम पार्टी के नेता है और ये पीके पार्टी के, और ये जेएम कौन सी पार्टी, जेएमटी पार्टी, हाँ जेएमटी पार्टी, ये पीके पार्टी, नमस्ते भाई, ये पीपीएम पार्टी और ये टॉप पार्टी के नेता है। समझ में नहीं आया क्या? तमिल सेल्वन ने हाथ उठा लिया ना, अगर तुम पार्टी में रहोगे तो ये सब तुम्हारे साथ हैं। तुम पार्टी में शामिल होना चाहते हो क्या? ए बाजट, बाजट चल, ए हट, छोड़, हट सामने से, अंदर जाने दे। क्या कुमार, ये लोग अंदर नहीं आने दे रहे हैं? इस महीने पैसा नहीं आया है, इसलिए भाई ने पूछने के लिए भेजा है। क्यों बे, अपने शहर में है ना? क्यों रे, भाई सामने बैठा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक है, तू निकल। नहीं कुमार, कुछ गलत मत कर। कुछ गलत नहीं है, इतने दिनों तक कुत्ते के जैसा मेहनत करके काम किया ना, वही गलत था। आप उनको पागल समझाए क्या? अभी अपन तुम लोगों के बारे में अच्छे से समझ गए ला है। आप उनको थोड़ी सी तकलीफ हुई तो तुम लोग अपन को छोड़ के भाग गए। जा तेरे मालिक के पास जाके बोल दे, अपन को उसके पार्टी नहीं चाहिए, अपन अकेला ही ठीक है। कुमार मैं तेरे दोस्त के हिसाब से बोल रहा हूँ। अपन बहुत गुस्से में है, चुपचाप निकल यहाँ से। जब देखो लात मारता है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, तू बैठ जा, अपन देखता है ना, रुक। कौन है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। ए, कौन है बे वहाँ? ए, भागो, भागो, आग लग गया, आग लग गई, आग लग गई, निकलो यहाँ से। हम लोगों ने नहीं खेला, ऐसा कोई खेल बचा है क्या? क्या कुमार, इस तरफ कैसे? कहीं बाहर गया था, आ गया क्या? है? मजा बहुत करते हो। मेरे घर में बॉम्ब कैसे फेंका? बॉम्ब? क्यों? मुझे तो कुछ पता नहीं कुमार। ऐसे एक्टिंग कैसे कर रहा है? कल रात को मेरे घर पे बॉम्ब नहीं फेंका? माँ की कसम खा के कहता हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अरे क्या पता नहीं बोलते हो? कोई बोल रहा है कि डाला है बॉम्ब, कोई बोलता है कि नहीं डाला है। मुझे चाहने वालों में किसी ने डाला होगा कुमार, इस बारे में मुझे नहीं पता। देखो सेठ, अगर आपन को या आपन की बीवी को कुछ हुआ ना तो आपन हे बॉम्ब जमीन पे ही फेंका ना, तुम्हारे ऊपर तो नहीं ना। हाँ, तो मतलब बॉम्ब तुमने ही फेंका ना? अरे मुझे पता नहीं है कुमार। अरे तुमने अचानक बोला कि पैसे नहीं दूंगा, हैं? तो दूसरे पार्टी के लोग गुस्सा होकर के ऑफिस में आ रहे, अब मेरे चाहने वाले किसी कार्यकर्ता ने कर दिया होगा तो अब क्या करूं मैं उसके लिए? ओ भाई तुम लोग किसी को जानते हो क्या? जो नहीं बोलने वाले और हंसने वाले एक ही बात अपन बोलता है, जिसने भी बॉम्ब फेंका है ना उसका सर काट के रख देगा। क्यों इतना चढ़ के बोल रहे हो कुमार, उतार दिए जाओगे। कुछ नहीं चाहिए अपन को, बस सुकून से रहने का है और कुछ नहीं। है तांबा इधर, ये है कुमार, ये एलम बोर्ड का चेयरमैन है, घोषणा कर दे। लेकिन सेठ जी कहीं कुछ ऐसा है? मुझे पता है रे कुमार, इसके बाद तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, है? और रिसेंट में जो सरकार चल रही है ना कुमार, वो लोग भी तुझे मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, और अगर उन्होंने परेशान किया तो हम सब लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं पूरी पार्टी के साथ, ठीक है ना? बस हो गया, गुस्सा छोड़ दे। मेरे पैर पे गिर जा, मेरे पैर पे गिर जा कुमार, गिर जा, गिर जा, गिर जा, गिर जा मेरे लिए। फोटो निकालो। जाओ कुमार, ये तुम्हारी पहली सीढ़ी है, ऐसी सीढ़ी पे चढ़ के तुम्हें आगे जाना है, इसी तरह से एक दिन यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन जाओगे। हैं सेठ जी, टाइम हो गया। अरे रुको, आता हूँ ना कुमार, पैसे भेजते हैं। और सुन, इस लिस्ट में जो है ना, इन सबको एक एक करके भाई आप उनसे ये सब ठीक है ना? अच्छा रहेगा, वजह मत पूछ, पॉलिटिक्स भी है, सब होता रहता है, पूछने का नहीं। जाओ 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 जाओ, देख लेना एक दिन तुम्हारी मेहनत कुमार तुम्हें ऊपर तक लेकर जाएगी। हैं हैं, चल भाई चलो। सेठ जी, पैसा पूछे तो इस कुत्ते के सामने देने का, आप क्यों उसके पास गए? सब्र सब्र करो, पॉलिटिक्स है, ये सब होता रहता है, बैल के जैसा रहना पड़ता है यहाँ, जो भी होना होगा धीरे धीरे हो जाएगा।
इलेक्शन आने वाले हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं? एक नंबर का गधा है, कुछ समझता नहीं है। जा भी काम कर अपना, जा। किसी दिन बेल्ट से पड़ेगी तब समझेगा तू पॉलिटिक्स। मैं उनके लिए सब त्याग करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए ही हूँ। ए, क्या है बे, सुबह सुबह उठाकर मार रहा है, क्या बोलना चाहता है, बोलना सीधे। मैं जीएसटी का पति हूँ सर, आपको बधाई देने आया हूँ सर, भूलिएगा मत सर, जो भी जरूरत हो मुझसे बोलिएगा सर। सर ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट सर। अरे हटिए हटिए, ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग भाई को मार डालेंगे, एक एक करके आओ। भाई मैं शेखर हूँ, इस एरिया का सेक्रेटरी, पेपर में पढ़ने के बाद खुशी हुई। हे हार लेकर आओ, हार लेकर आओ। हट 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 हट, मैं सब कुछ देख लूंगा भाई, आपको एक आदमी चाहिए ना, मैं हूं ना आपके लिए। इस एरिया में जितने भी बिजनेसमैन हैं सब आए हैं भाई, इशारा करो। चलो भाई। हटो हटो, अरे कब से खड़े हो यहाँ, हटो हटो यहाँ से, क्या भीड़ लगाकर खड़े हो यहाँ, चलो हटो यहाँ से। माँ जी लाइन में आइए। ए मुझे जानता नहीं है क्या, और ये कौन है पता है? मेरी गोद में खेलता था, अपने बच्चे के लिए उसे पालने वाली उसकी माँ उसे देखने आई है, आजा बेटा। भाई ये यहाँ के महिला मंडल की नेता है। अरे 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 अरे, तेरे चेहरे से पता चलता है कि तू ही बनेगा एमएलए, तू बनेगा, तू बहुत बड़ा मंत्री बनेगा बेटा। कुमार मैं तेरे दोस्त के हिसाब से कह रहा हूँ, थोड़ा संभाल के चल आराम से। मुख्यमंत्री हमारा मुखिया, हमारा नेता, हमारा मुखिया, हमारा नेता, हमारा होने वाला अगला मुख्यमंत्री, हमारा मुखिया, हमारा मुखिया। हेलो कौन है भाई? ऑटो स्टैंड खोलने का है क्या? 1000 ऑटो है क्या? हाँ 8 तारीख को आता हूँ, हाँ आता हूँ आता हूँ। हाँ ए, 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 क्या है, इतनी ऊपर होकर भी पैर पे गिर रहे हो क्या? चलो उठ जाओ, अरे उठो यार। कौन है भाई? तेरा बाप है क्या? बधाई देने आए हो क्या? अरे बधाई देने आए हो तो पैर क्यों पड़ रहे हो? मीटिंग में आना है क्या? ए क्या है बे? मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ और तुम लोग वहाँ पर कुमार कुमार चिल्ला रहे हो। हाँ आप उनका बच्चा पैदा हुआ क्या? भाई आप जैसा है बिल्कुल। सच बोल रहा है क्या? बिल्कुल सच, जरा देखो तो इसे, सेम टू सेम आपके जैसा है। अच्छे से देख। कैसी बातें कर रहे हो, बोल तो दिया ना। अरे तुम लोग बताओ सेम टू सेम है कि नहीं है, हर एक एंगल से मिल रहा है। बच्चे के मामा को यहाँ बैठने के लिए बोलिए। मामा कहाँ है? ए मामा तू ही है ना, मामा इधर आके बैठ। मामा आना। क्यों भाई, एक जमाने में करता था, तू अब याद दिला रहा है। ए जीवा तू है ना मामा, तू आके बैठ। ओ ओ ओ कुछ नहीं होगा। ए लला 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 लला, बच्चे के कान से खून निकला ना तो तेरे को मार डालेगा। ये जीना मरना उसी का संघर्ष है, अगर वो लोग सत्ता में आ गए तो हमें रास्ते से हटा कर रहेंगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कुमार। सभी दीवारों पर हमारे ही पोस्टर्स होने चाहिए। हमें वापस सत्ता में आना होगा। यार, मारो। नहीं तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मूर्ति पूरे राज्य में हमारे ही आदमी जीतने चाहिए। ये इलेक्शन खत्म होने के बाद या तो वो रहेगा या हम, नहीं तो उसको रहना चाहिए। अपने एरिया में आया तो काट डालूंगा। उनको डालकर हटाओ रे। इसका मुट्ठी बहुत छोटा है रे, थोड़ा सा बड़ा कर इसको, पकड़ में आने के बाद ये ठीक से कटेगा ना। क्या हुआ रे? कल कैंडिडेट की घोषणा हो रही है कुमार, तुम्हें पक्का एमएलए की सीट मिलेगी, यहाँ सब ऐसा बोल रहे हैं, जैसे ही मिलेगी वैसे ही सारा काम शुरू कर देंगे।
त्रिची डिस्ट्रिक्ट लालगुड़ी कंस्टिट्यूएंसी से छोटा लिंगम त्रिची वन गोविंद राज पुदुकोराई रंगनाथन मदुराई डिस्ट्रिक्ट मदुराई सेंट्रल विजय कुमार इस बार भी टी नगर से शिव कुमार को खड़ा कर दे क्या नहीं जी उनका नाम बदनाम हो गया है अब तो पार्टी के लोग ही उसे बुरा कह रहे हैं हाँ तो फिर कृष्णा को खड़ा कर देते हैं खड़ा कर सकते हैं मैं ना नहीं कह रहा हूँ लेकिन उनकी लेडीज वीकनेस है दो तीन बार उनका नाम पेपर में भी आया है लेकिन पब्लिक भूल गई होगी खड़ा होगा तो जीत जाएगा और एलम्बर कुमार ये तो तेरा ही एरिया है चुपचाप कुमार को ही खड़ा कर देते हैं लोग डर के मारे वोट डाल देंगे ठीक है पिछली बार हार गया था इस बार होशियार होगा इस एरिया में किसका नाम चल रहा है, है? अपने सेल्वम राजन को खड़ा किए तो बहुत अच्छा होगा जी ए, सेल्वम राजन को खड़ा किया तो हम लोग जीतेंगे क्या वो तो भाग भाग के काम करता है ठीक है एक बार में फैसला कर दिया तो हाँ ये सही रहेगा हाँ। अगला है आयला मेरक भाई हाँ? अपन को एक चांस दो ना एलमपुर से अपन खड़ा हो जाता है एरिया के लोग अपन को अच्छे से पहचानते हैं बहुत काम किया है अपन अपन खड़ा हो गया ये पता चलेगा तो लोग अपन को वोट देंगे अगर आप ही अपना दिल बड़ा किए तो हम जरूर जीत जाएंगे भाई क्यों भाई मजाक किया तो सही मान लिया क्या हैं कुमार कत्ल कर करके थक गए हो क्या जो हमारे साथ आना चाहते हो क्यों 70% तो आपके कहने की वजह से किया है ना क्यों जी वो तो हकीकत में मांग रहा है आप तो चुपचाप बैठे हुए हैं कुमार जब भी मैंने मांगे हैं तुमने पैसे दिए हैं इसलिए मैंने तुम्हें वो पोस्ट दिया अब उसके ऊपर उम्मीद मत करना इस जगह तक आने के लिए 10-15 साल पार्टी के लिए काम करना होगा और ऐसा करने वाले लोगों की बाहर लाइन लगी हुई है अंदर खड़ा कर दिया तो मुंह खोलकर मांग रहे हो तुम किस जगह बोलना चाहिए समझ में नहीं आता चुपचाप खड़ा रहे वरना लोग गुस्से में आ जाएंगे 2-4-10 साल जाने दे फिर देखते हैं तेरे लिए ठीक है उतने टाइम में आप उनको डाल दिया तो ऐसा सोचता है क्या अरे सोचना तो पड़ेगा ना अपन को भी तो सेटल होने का अरे अपन को भी तो बीवी और बच्चे हैं ना डेली गले पे चाकू लगाकर काम करना होगा क्या अपन को क्यों अपन का फैमिली को सेफ्टी की जरूरत नहीं है आप उनके साथ रहकर एक बार काम करके तो देखो जिंदगी में कितना तकलीफ होता है सब पता चलेगा आज इस पार्टी के लोगों को मार के आ जाओ कल उस पार्टी के लोगों को मार के आ जाओ हमेशा ऑर्डर देते हो आज 1 करोड़ दिया है कल 2 करोड़ आकर देगा क्या ऐसा ही पूछते रहते हो आप उनसे पूरा स्टेट अगर आप घूमोगे तो आप उनको चाकू लेकर आपके पीछे बैठना पड़ेगा अरे इस हाथ से अपन कितना बाबू गाड़ा होगा कितना लाइट लगाया होगा 3-3 दिन तक खाना नहीं खाया है और अभी जब सीट मांगने का बारी आ गया तो सीधे सीधे ना बोल रहे हो अपन को अरे छोटा सा सीट तो मांगा गलत किया क्या क्यों भाई अपने छाती पे हाथ रख के बोलो ना तुम्हारे घर की इज्जत को अपन बचाया या नहीं बचाया अपन के बदन में जब तक ताकत है और मेरे अंदर हिम्मत है ना तब तक अपने को खुद को सेटल करने का है कोई जीते या हारे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन अपने को जीतने का है बस ए, क्या बोल रहा है भाई इज्जत से बात कर रहे हैं और तू उल्टा जवाब दे रहा है हा? उन्होंने हर एरिया में तेरे जैसों को पाल के रखा हुआ है अगर तेरे जैसों को सीट मिलेगी तो हम लोग काशी चले जाएं क्या हेलो क्या बोला तूने तू भी गांधी और कामराज की तरह बात कर रहा है क्या अरे तुम लोग भी तो एक नंबर के गुंडे ही हो ना तुम लोगों के ऊपर कितना कैसे हम लोग जानते नहीं है क्या क्या बकवास कर रहा है दिमाग खराब हुआ तो काट के रख दूंगा आपस में उलझोगे तो कैसे चलेगा आर्मगम बैठो अरे बैठो यार मैं हूं ना अभी ए भाई तू बाहर जाना जाना नहीं जाएगा अपने को पहले ही बता दो कि अपने को सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा इन कुत्ते लोग से डरने का कोई जरूरत नहीं है ये लो ये इलेक्शन के लिए पैसा है और ये आप उनकी सीट के लिए पैसा है आप उन नीचे खड़ा रहेगा अपना नाम लिस्ट में होना चाहिए नहीं तो जो पार्टी सीट देगी आप उनसे जाकर मिल जाएगा हाँ
पहले ही अपने को बहुत सारी पार्टी बुला रही है, सोच लेना। शांति शांति शांति। चेन्नई महानगर टी नगर कंस्टिट्यूएंसी कृष्णन एरवड़ के एरवड़ से रामादुराई कलम्बोर इलाके से एलम्बोर इलाके से सेलवाराजन पेरम्बोर से सेलवाराजन। तू आप उनसे आगे आकर उस इलाके में जाके जीत जाएगा अगर पैर भी रखेगा ना। भाई शांत हो जाओ। अरे मेरे सामने पेशाब करने वाला कुत्ता है तू, तेरे को सीट चाहिए क्या? अरे सुन रहे हो ना तुम लोग? भाई के सामने क्या बात कर रहा है तू? तेरी तो आ जाओ देखता हूँ कौन आ रहा है सामने। क्या कुमार जल्दबाजी कर दी? हे क्या रे चाकू निकालता है? ये खिलौना है हमारे लिए, मुझे जानता है तू? पांडे 68 खून किया है मैंने, बोटी बोटी काट डालूंगा। हे तू हमें चाकू दिखा रहा है? पुलिस वाले हैं क्या जो डर जाएंगे हा? या फिर पब्लिक है? अगर हमने चाकू डाया ना, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें चाकू दिखाएगा? चल अब काट तू मुझे। हे चल काट काट, बोला ना काट। अरे काट, अगर नहीं काटेगा तो मैं तुझे काट डालूंगा, चल काट। मैं सच कह रहा हूँ, इससे चलो सीट मुझे मिल जाती। चाकू दिखा रहा है तू? फेंकू क्या? फेंकू क्या? हड्डी कर निकल जाएगी तेरी। अरे 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 गणेश मेरे ऊपर क्यों डाला रे? तेरे ऊपर नहीं डाला, भूल से गिर गया रे। क्या भाई इतना सा गिरा तो ये हालत हो गई? अगर पूरा गिर जाता तो इसका चेहरा भी गायब हो जाता, जलकर राख हो जाता, ये एसिड है ना। सुनो भाइयों, कोई गलती नहीं करना, आप लोग शांति रखो। अब आप लोगों से नेताजी कुछ कहना चाहते हैं। आपको बात करने की क्या जरूरत है? आप हुकुम करो इसे यहीं गाड़ देंगे। अरे आप लोग शांत रहो। पार्टी के खिलाफ गलत कदम उठाने से कुमार को पार्टी के कार्यकर्ता पद से इसी समय हटाने का ये निर्णय ले रही है। कुमार के ऊपर क्या एक्शन लेना है मैं यहाँ के डीएसपी से स्वयं बात करूंगा, बाकी कानून अपना काम करेगा। तो फिर छोड़ने को बोल रहे हो क्या? यहाँ नहीं करना है कह रहा हूँ ना, समझ में नहीं आता? बाहर प्रेस वाले खड़े हैं, कहीं और का रख लो। कैसी बात कर रहे हो आप? चाकू दिखाने वाले को छोड़ने की बात कर रहे हो? इससे तो हम बात न बताएंगे, मौका आने दो। ए, चलो रे यहाँ से, चल जाए यहाँ से, जा अभी बच गया तू। कुमार चलते हैं यहाँ। अरे अरे छोड़ो। hey, सुना नहीं नेताजी ने क्या कहा? शांत रहो। hey, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, सब लोग बहुत गुस्से में हैं। चलो जाओ। चल एहसान फरामोश कमीने कहीं के, इतने दिनों तक साथ रखे खाके हमारे खिलाफ कदम उठा लिया। आधे लोग चले गए भाई, फुल पावर में जाएंगे तो कुमार को अंदर डाल सकते हैं। कुमार को पार्टी से निकाल दिया है, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या भाई ऐसी फालतू बात क्यों कर रहे हो? हाँ वो अच्छा काम करने वाला है, कुछ भी करके उससे तुम हाथ मिला लो। अगर तुम और वो दोनों साथ मिलकर काम करोगे तो पता है क्या होगा? हाँ, आप फिर से सीएम बन जाओगे, वो भी सेटल हो जाएगा। मेरा भाई वापस आएगा क्या? या फिर मैं ठीक हो पाऊंगा क्या? मैं शेर के जैसा था, देखो क्या हाल हो गया। मेरे बच्चे बोलते हैं पापा हमें पहले की तरह घुमाते क्यों नहीं। मेरे भाई की बीवी
20 सालों से हमेशा रोती रहती है। इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। आपका काम वैसे ही चलेगा, हमारे बीच मत आइए आप। कमिश्नर से कहकर उसका एनकाउंटर करवा दूं क्या? ऑर्डर दे दीजिए, कब करना है ये मैं बताता हूं। इतनी जल्दी पूरे एरिया में न्यूज फैल गई है भाई, उनके आदमी ध्यान दे रहे हैं, वो कौन है पता नहीं चल पा रहा है। क्या भाई, आदमी तो कम दिख रहे हैं। ए, जरा देख के संभल के लेके जा। ठीक है भाई। गांव पहुंचते ही फोन करना। क्या अब खड़े खड़े देख क्या रही है, चल जा जल्दी। देख, समझने की कोशिश कर, अब यहां रहना सुरक्षित नहीं है, थोड़े दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू आराम से जाके आ, आप उन सब संभाल लेगा यहाँ। तुम भी तो साथ चल सकते हो। हाँ, तो फिर सारा गांव अपन को लेडी कुमार करके बुलाएगा और अपन के चेहरे पे थूकेगा भी, अपन की कोई इज्जत नहीं है क्या? ये देख, अपन को कोई कुछ नहीं कर सकता, तेरे को कुछ नहीं होना चाहिए ये सोच रहे हैं अपन, समझ गई क्या? जा, बच्चों को हिफाजत से देख ले। अरे जा, ए, सेल्वी के घर पे कोई जाओ रे। ठीक है, मणि है ना वहां पे, ठीक है कोई बात नहीं, जाने दे। ठीक है, फिर भी किसी को भेज के देखने के लिए बोल देना। हाँ, तुम लोग पूरे कितने लोग हो? हाँ, वेणी के साथ दो लोग को भेज देना। हाँ, ए वो चली गई क्या? आप उनको पांच लोग बस हो गए। हाँ, ऊपर भी आदमी है क्या? गेट पे पीछे आदमी लगाया है ना तूने? रखा है क्या? अरे घूर क्या रहा है? गांव आएगा क्या मारने के लिए अपने को? सारे हथियार तो रखे हैं ना? बराबर है, सामान रखना चाहिए। डर रहे हो क्या कुमार? पे पेड़ गिर गया है, उसी को हटा रहे। रुको रुको, क्या कर रहे? तुझे नहीं मारेंगे क्योंकि तू ही तो खबर देगा ना। गलत कर दिया उन्होंने कुमार, गलत कर दिया, वो बच्चे को उठाकर ले गए। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कुमार, मेरी बच्चे को नहीं दे रही थी, उसे भी चीर फाड़ दिया, वो बच्चे को बिल्कुल नहीं छोड़ रही थी, वहाँ हॉस्पिटल में छोड़ कर आया। कुमार, बच्चा मूर्ति के पास ही है, ये खबर पक्की है। यहां तो टाइट सिक्योरिटी है कुमार, अगर इन्हें शक हुआ तो ये बच्चे को मार देंगे।
मूर्ति, अपन कुमार बोल रहा है। ये देख, अगर तू चाहे तो अपन बिना हथियार के तेरे लोगों के सामने सो जाएगा। अपन के साथ कुछ भी कर, लेकिन बच्चे को छोड़ दे। बच्चे को तूने देख लिया ना है? मेरे अंदर इंसानियत है भाई। हाँ, और एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो बच्चे को नीचे फेंक दूंगा। जा, जाके रात भर रो। मुझे जो दर्द दिया था उसका बदला है ये। देखो, मूर्ति मेरे बच्चे को लेकर चला गया। तुम मणि को फोन करके मेरे बच्चे को लाने के लिए बोलो ना। उसके लिए अपन कोई भी मुश्किल झेलेगा। देख देख सेल्वी, कुछ भी अपने दिल में रखना मत। बेचारे बच्चे ने क्या किया है? हाँ, तू उसको देखिए ना सेल्वी, उसका चेहरा सब मेरे सामने दिखता है। वही तो सब कुछ है ना मेरे लिए। क्या कर रहे होंगे उसके साथ? मणि को एक फोन करना, वक्त बहुत कम है। जरा पास आना। हाँ? नहीं, वो आंखों के पास पानी जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक से दिख नहीं रहा। यहाँ आओ ना, आओ। पानी ही है, रो रहे हो क्या? कुक्की कुमार रो रहा है। उस दिन तो बड़ा कह रहे थे कि तुम रोते नहीं। हाँ, बच्चा है ना, रो रो। भगवान भी सब देखता है कि किसे कहाँ फंसाना ठीक होगा। कितनी बेरहमी से मुझसे कहा था कि मेरे साथ सो, वरना तेरे भाई को मैं मार डालूंगा। कितने नीच हो। जब मुझे मुझे लाए थे तब मैं कैसी थी याद है? हाँ? अब तो मैं खुद को आईने के सामने देख भी नहीं पाती, घृणा होती है। लगता है जैसे तुम्हारी गंदगी मुझे छोड़कर जाती ही नहीं। लेकिन एक बात जरूर बताती हूँ, मैं जब भी तुम्हारे साथ सोती थी ना, उसके बारे में सोचती थी। बच्चा चाहिए क्या? हाँ? नहीं मिलेगा, जा। लेकिन उसे अपने पास रख के क्या करेगा? एक और कुक्की कुमार बड़ा करेगा और चार परिवारों को बर्बाद करेगा। जा, जा यहाँ से। अगले 3 दिन में पुलिस तुझे शूट कर देगी, मेरे भाई ने बताया। मुझे भी बहुत काम है। पहले ना मुझे जाकर उससे शादी करनी है। पता उसे क्या कहा? मुझसे कहा कि सेल्वी, तू जब भी आएगी ना, मैं तुझसे शादी कर लूंगा। उसे मेरे साथ अपना परिवार बनाना है, बच्चा पैदा करना है। मार डालना चाहता था मैं, लेकिन क्या करूं, मेरा ही दिल नहीं माना। सबके सब लोग पहले ही मेरे ऊपर गुस्से में हैं। वो क्या करेंगे पता नहीं। कोई बात नहीं, एक बच्चे को मारकर जीने से अच्छा है कि मर जाओ।
तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। कोई बात नहीं, ले जा इसे, मेरी तरफ से भीख समझ लेना इसे। उस बच्चे का चेहरा जब भी देखोगे ना, तुम्हें मेरी याद आएगी। जा। मैं बच पाऊंगी क्या? बहुत दर्द हो रहा है। सांस नहीं ले पा रही हूँ। अपने जानना चाहते हो क्या कि ये बच्चा तुम्हारा है या नहीं? यही बात दिल में है ना? भाई चलो यहाँ से, मूर्ति के लिए तुम्हें ढूंढ रहे हैं भाई। ए, टिकट निकाल लिया है ना? हाँ भाई। संभल कर जाना भाई, कोई परेशानी हो तो फोन करना। छोटे बच्चे के साथ क्या करेगा पता नहीं। दोस्त तू समझ कर बोल रहा हूँ कुमार, इस बच्चे को तू पालने से अच्छा है किसी आश्रम में छोड़ देता तो अच्छा होता। मैं सही कह रहा हूँ, गलत मत सोचना भाई। तू कहीं भी जाएगा तो वो लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं। तेरे ऊपर लगने वाला चाकू तेरे बच्चे को ना लगे कुमार। सॉरी भाई, मैंने कुछ गलत बोल दिया तो। चलता हूं, अपने आप को संभाल लेना। चलता हूं भाई, हमें भूलना मत। कुमार के जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? सब लोग अपने अपने गांव का टिकट निकाल लो। ठीक है ठीक है ठीक है, रो मत बेटा। ओ ओ ओ, ओ। नमस्ते भाई, यहां पर कैसे? गांव जा रहे हो क्या? Thank you.
बेटा, पापा ने यहां लाकर डाल दिया, सोच रहे हो ना? तुम्हें कैसे पालू ये सोच रहा था, लेकिन नहीं हुआ, सब चला गया। जिंदा रहना है मेरे लाल, जिंदा रहना है तुझे, वही जरूरी है। पापा मर जाएगा लेकिन लेकिन तू 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 डरना मत भाई, कोई भी अच्छा इंसान आएगा और तुझे ले जाएगा, तू ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा। किसका बच्चा है तू? तुझे मैं अपने साथ ही लेकर जाऊं क्या? हा? नहीं भाई, मुझे भी जिंदा छोड़ दे। ठीक है। पापा कहां जा रहे हो नहीं पूछेगा क्या? बिल्कुल रोना नहीं है बेटा, हमेशा हिम्मत से रहना। माजी माजी देखो यहाँ पे बच्चा रो रहा है। हाँ? अरे बाप रे, अरे रे, किसने इसे यहाँ डाला है? पता नहीं माजी। अरे 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 अरे, किसने इस प्यारी सी बच्ची को यहाँ डाल दिया है? देखो तो, आजा 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 मेरा बच्चा, आजा। अरे 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 मेरा बच्चा, पूरे शरीर पे चीटी लग गई है। अरे मेरा बच्चा, मेरा राजा, मत रो मत रो राजा। माजी वो देखो वहाँ पर पैसा भी है। पैसा? हाँ बहुत पैसा है, देखो ना, बच्चे को अच्छे से पालने के लिए कोई पैसा रख के गया होगा। एक काम करो, ये पैसे लेके बच्चे को अच्छे से पाल लो। अरे छी, दरिंदा कहीं का, क्या पैसे, मेरे भी दो बच्चे हैं, उनके साथ साथ इसे भी पाल लूंगी। चार घरों में काम करके जो पैसा आता है उतना बहुत है, ये किस लिए चाहिए? इतना पैसा देख के तो मुझे डर ही लगता है। माजी ले जाओ ना माजी, बच्चे को अच्छे से पाल सकती हो ना आप। ए, इन पैसों में जरूर कोई ना कोई परेशानी होगी, क्या पता इसकी वजह से कौन कब पीछे पड़ जाए। कभी भी जितना हो उतने में खुश रहो, अभी इन पैसों के बारे में सोचोगे तो हमेशा इनसे परेशान रहोगे। अरे इतने पैसों का आखिर करना ही क्या है? हा? इसे देखो, कितना खूबसूरत है ना इसका चेहरा, देखो ये कैसे हंस रहा है। अरे रे रे रे। देखो इतने प्यारे से बच्चे को कचरे के डब्बे में डालने का किसका मन किया होगा। माजी बच्चे का सही ढंग से देखभाल कर लोगी ना? ऐसा क्यों पूछ रहा है? नहीं, तुम्हारा मर्द दारू पीने वाला होगा, घर में आकर बच्चे को मारेगा तो मुझे बेकार का तकलीफ हो रहा है, ऐसा सोच रहा हूँ। तू जा और अपना काम कर, इस बच्चे की जिम्मेदारी अब मेरी है। जा, ऐसे बोल रहा है जैसे कि तेरा ही बच्चा है। माजी जरा देख कर, बच्चा है वो, अच्छे से पढ़ाना लिखाना, काम करने को भेजना मत। माजी उसका चेहरा देख के पता चलता है वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, उसको पहले डॉक्टर के पास लेकर जाओ, उसे ऐसे ही मत छोड़ देना। माजी माजी आपका नाम क्या है? किस लिए? बस ऐसे ही पूछा। कोई जरूरत नहीं है उसकी। Thank you.
ये देख देख यहाँ इधर काट नस के ऊपर जान तुरंत निकल जाएगी। देख मैं पहले ही बहुत झेल चुका हूँ, ज्यादा तड़पा मत। हाँ ये इधर
इधर इधर मार, इधर मार 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 मार। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अरे सीधा मार, सीधा मार, निशाना चूक रहा है। तेरा हाथ क्यों कांप रहा है? बोल तो मैं काट लूं क्या? काट काट कर, इधर इधर इधर। नहीं होता है तो छोड़ देना, तुझे अपनी पार्टी में शामिल कर लेता हूँ, एमएलए की सीट भी दे दूंगा। बहुत बड़ा जख्म है, ये देख, मुझसे बराबर से काटना नहीं हो पा रहा है, तू जरा एडजस्ट कर ले, एडजस्ट कर ले जरा। मरने में आधा घंटा लगेगा भाई। आगे आगे आगे, मेरी मौत का तमाशा देखने। नमस्ते पुलिस वाले साहब, कैसे हो? इधर आओ ना, यहीं पर लटकाना है क्या? नामचीन गुंडे की जेल में फांसी लगाकर खुदकुशी। हाय रे जनता, हाय रे मेरी चिता। ठीक है, बाहर ले जा रहे हो, शूट करने जा रहे हो क्या? बचकर भागने की कोशिश की तो पुलिस ने शूट करके मार दिया। बोलोगे तो लोग यकीन नहीं करेंगे, वेणी मणि मेरा बाप, जिन जिन को मैंने मारा वो सब मेरी नजरों के सामने, वो देखो। अरे बाहर लेकर जा रहे हो क्या? हाँ, समंदर में डुबाना है मेरी माँ की तरह। ठीक है ठीक है, मेरे लिए वही सही है, मेरी माँ को वैसे ही किया था ना, वैसे ही मुझे भी फेंक दो, वहीं पर डाल दो मुझे। अब समय आ गया है कि हम कुछ करें। हमारा प्यारा छोटा भाई, मेरा असिस्टेंट, शेर जैसा इंसान, जनता का सेवक मूर्ति, उसे जान से मार दिया गया। ऐसा घिनौना काम किसने किया ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब तक उसे ढूंढ कर मैं सजा नहीं दिलवाऊंगा तब तक मुझे आराम नहीं मिलेगा। हमारी पार्टी के एक बहुत बड़े स्तंभ को गिरा दिया गया। मेरी पार्टी के साथियों और कार्यकर्ताओं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, चाहे हमें कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े, हम अपने लक्ष्य से, अपने कर्तव्य से किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। जिसमें जनता की भलाई हो, सिर्फ हम लोग वही काम करेंगे। और हमारे इरादों को मजबूत करने के लिए हमारे साथ आ गए हैं कुक्की कुमार। तालियां। हम सबके लिए उजाला बनकर, चिराग बनकर आए हुए शेर, हमारे मुखिया, हमारे मुखिया, इस राज्य के अभी के मुख्यमंत्री और कल रहने वाले भी मुख्यमंत्री, आप तो हमेशा के लिए मुख्यमंत्री ही रहोगे, ऐसी मेरी इच्छा है। आपको मेरा सबसे पहला प्रणाम। मेरे प्यारे मूर्ति का स्वर्गवास हो गया, दिल दर्द से परेशान हो रहा है। मालिक आप सिर्फ इशारा कीजिए, मूर्ति को मारने वाले का सर मैं आपके कदमों में लाके रख दूंगा। लेकिन हम यहां पर गांधी जी के देश में रहते हैं, उसी कारणवश हम सारी चीजें सहते रहते हैं। मेरा प्यारा मूर्ति, तेरे बारे में हमेशा मैं सोचता रहता हूं अपने सपने में। मूर्ति मतलब अपनापन, मूर्ति मतलब प्यार, मूर्ति मतलब ममता। इतने बड़े इंसान के मरने के बाद ये मालिक मेरे पास आकर मुझसे कह रहे थे कि मूर्ति जी जगह पर था, उस जगह पर रहकर तुम्हें काम करना होगा। ये सुनकर मैं हिल गया। अरे जहां पर शेर था वहां पर ये छोटा सा खरगोश रहकर भला क्या करेगा? लेकिन फिर भी
हालत की मजबूरी की वजह से और नेताजी ने मुझ पर रखे विश्वास की वजह से मैं अपनी जान समझने वाले अपने पब्लिक के लिए ये लो आज मैं आपके सामने एक उम्मीदवार बनकर खड़ा हूँ। तमिल सेल्वम मतलब कौन है वो मैं बताता हूँ उस कमीने के बारे में।